नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वर आलय म्यूजिक। आज हम आपको बहुत ही सुंदर एक सरगम है, या इसको धुन कह सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। खासकर ये बिगनर्स के लिए बहुत ही लाभकारी है, और बिगनर्स से मेरी यही सलाह है इसको अवश्य सीख लें। ये कई गीतों के बीच में बजाने के काम आएगा, और यदि आपको पसंद आए धुन तो आप इसको स्टेज प्रोग्राम में कहीं पर भी बजा दें। स्टार्टिंग में सुन बहुत ही मधुरता है इस धुन में। तो दोस्तों, इसको हम बजाना सिखाएंगे, और इसको कैसे बजाना एक बार आप ये समझ लें। इस धुन को मैंने पहली काली से बजाया हुआ है, यानी सी शार्प मेजर स्केल पे। इसमें नोट्स क्या क्या लगेंगे आप ये जान लें पहले। सा रे गा मा पा धा नी, और ये सा और रे, और कोमल नी भी लगेगा। नी दोनों लगेंगे और सभी स्वर शुद्ध हैं। इसको सिर्फ दो फेज में मैं बताऊंगा आपको बजाना, क्योंकि आप यदि ऐसे धुनें सीख लेंगे, ऐसे सरगम सीख लेंगे, तो आपको आगे चल करके गानों के बीच का म्यूजिक बजाने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि मुझे कुछ बजाना नहीं आता है गानों के बीच में, तो आप सीखते नहीं हैं। अगर आप सीखेंगे तो ज़रूर आपको बजाना आएगा। तो आपको मैंने जो बता रहा हूँ उसको आप नोट करके रख लें, और उसका अभ्यास करें, अपनी डायरी में रखें, ताकि आप कभी किसी प्रोग्राम में बजाने जाते हैं तो आप उस टाइम पे इसको बजा सकें। लेकिन इसका अभ्यास आपको पहले करना चाहिए। पहला फ्रेज है सा गरे गरे सा गरे गरे, दो बार सा गरे गरे सा गरे गरे सा गरे गरे नी सा। ये लोअर ऑक्टेव का नी आ रहा है शुद्ध वाला, तो नी भी लग रहा है लोअर ऑक्टेव का। सागरे गरे सागरे गरे सागरे गरे नीसा, आसानी से आप इसको बजा सकते हैं। और दूसरा फ्रेज पानी सारे नीधा पमा पमा गरे गरे सा पानी सारे नीधा पमा पमा गरे गरे सा। ये बिल्कुल ताल कैरवा में है, 4/4 बीट्स में। एक बार फिर से देखें पहला फ्रेज सागरे गरे सागरे गरे सागरे गरे नीसा पानी सर नीधा पमा पमा गरे गरे सा पानी सर नीधा पमा पमा गरे गरे सा। ये दोनों फ्रेज हो गए इसके, आप आराम से बजाएं, कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और दोस्तों, यदि ये आपको धुन ठीक लगे, ये मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, तो इसे अवश्य आप लाइक कर दें। और यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको पसंद आए वीडियो, मैं बाई फोर्स नहीं कह रहा हूँ किसी को, वाई फोर्स कहना भी नहीं चाहिए। यदि आपको चैनल के वीडियोज अच्छे लगें, आपको कुछ यदि सीखने को मिल रहा हो, तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें। और यदि आप इसके अलावा मेरे चैनल की मेंबरशिप को अगर आप ज्वाइन करना चाहें, तो किसी भी टाइम आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन कुछ चार्ज जरूर लगेगा, ये ध्यान रखें, बिना चार्ज के नहीं। चार्ज उसमें लगता है, यूट्यूब में डायरेक्टली जाएगा। तो आप यदि आपको पसंद आए तो आपको मैं फिर और अच्छे तरीके से बताऊंगा, क्योंकि उसमें कंडीशन है, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी यदि आप जो है मैं ज्वाइन करते हैं सब्सक्राइब बटन को, मेंबरशिप को यदि आप ज्वाइन करेंगे, तो आपको ऑल पॉसिबल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, अभी इसी धुन को एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको, ताल कहरवा 4/4 बीट्स। Thank you.
गरे सा गरे गरे सा गरे गरे निसा सा गरे गरे सा गरे गरे।